Hello friends. Today's topic is In Debt Crisis, Sri Lanka Turns to China. I'm Professor Aditya Kedari. Let's start. Beijing North for $500 million loan as pandemic hits tourism revenue. The Sri Lankan government is likely to once again turn to China for help with debt repayment, as it did in 2014. Even as it requests to India for a postpayment of its debt repayment has been hanging fire for the last four months. ना अभी श्रीलंका ने चाइना से हेल्प मांगी है कि वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करे क्योंकि अभी जो पैंडमिक हुआ है कोरोना वायरस के पैंडमिक की वजह से श्रीलंका को काफी प्रेशर हो रहा है क्योंकि अभी टूरिज्म सब इंटरनेशनल और इवन लोकल ट्रैवल को अभी बैन कर दिया है लॉकडाउन की वजह से इसके लिए उनका टूरिज्म सेक्टर बहुत हिट हुआ है उनके गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और चाइना ने उनको हाँ बोला है वो उनको 500 मिलियन डॉलर्स देंगे उनको पहले भी चाइना ने श्रीलंका श्रीलंका को हेल्प की थी 2014 में और अभी वो फिर से दे रहे हैं और ऑल दो अभी हाँ, इंडिया से श्रीलंका काफ़ी पिछले चार महीने से श्रीलंका इंडिया से पैसे मांग रहा है रिपेमेंट के लिए लेकिन इंडिया ने अब तक उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है प्रोसेसिंग ही चल रही है क्योंकि इंडिया खुद कोविड 19 के पैंडेमिक में खुद इकोनॉमिकली अगर आप बात करें तो हम हमारा देश खुद स्ट्रगल कर रहा है

रीजनली स्पीकिंग जो देश है हमारे उनके साथ हमारे रिलेशन स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा चाइना की एक एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी रही है और वो एक तरीके से छोटे देशों को अपने डेप्ट ट्रैप में लोन लोन देते हैं और उसको वो डेप्ट हो जाता है उस छोटे देश पर और उसको ट्रैप में ले, ले लेते हैं एंड देट देट स्मॉल कंट्री हैजू लिसन टू वार्ड चाइना हैजू से तो इंडिया ने इन देशों के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद इवन प्रायर टू तो द कोरोना वायरस पैंडमिक प्राइम मिनिस्टर महेंद्र राजपक्षा हैड आस्ट इंडिया फॉर अफर्म एंड ड्यूरिंग अ विजिट टू दिल्ली इन फेब्रवरी जैसे मैंने कहा चार पिछले चार महीने से वो इंडिया से पैसा मांग रहे हैं हेल्प के लिए नॉट रिलेटेड टू कोरोना लेकिन इन जनरल जो हमारा डेप्टे श्रीलंका के साथ भी काफ़ी है तो उसका डेप्ट करने के लिए भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर है राजापक्षा उन्होंने हमसे बात कर थी फेबरवरी में इन अप्रैल दो महीने बाद देंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका सॉट फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप विद द आर बी आई आरबीआई के साथ करेंसी के वो एग्रीमेंट चाहते थे अंडर द सार्क फैसिलिटी सार्क सबको पता होगा साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड अगेन इन मे मतलब पिछले महीने प्रेसिडेंट राजा शॉट सॉट अ स्पेशल 1.1 बिलियन डॉलर करेंसी सॉफ़ फैसिलिटी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ अटकॉर्डिंग टू डिस्कस द रिस्पॉन्सर टू द पैंडमिक एंड बायोलेट्रिकल कॉपरेशन तो पिछले चार महीने से वो हमसे काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प की आ, के बारे में मांग कर रहे हैं करेंसी स्वैप करने के लिए भी डिमांड कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए हम उनके साथ बात कर रहे हैं लेकिन अब तक उन्होंने हमने उनको कोई स्पेसिफिकली ऐसे दिए नहीं है पैसे जैसे कि अब चाइना ने हाँ तो बोल दिया है लेकिन अब उनको पैसे कब देंगे वो अब तक उस पर वो डिपेंड करता है कब देंगे और अभी इंडिया ने अभी तो हम डिस्कशन ही कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस पैंडमिक और एक बायोलेट्रल इकोनॉमिक रिलेशन के लोग भी हम उनके साथ बात कर रहे हैं the situation could get more difficult for colombo that is sri lanka's capital as japan's international cooperation agency that is jica has put on hold funding for a proposed light rail transit system local media reported because of the concerns over the island's nation's rising debt अभी जैसे उनका जो डेप्ट है देश का श्रीलंका का वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है इसके लिए जापान ने भी अपनी फंडिंग रोक दी है उन्होंने ऑन होल्ड रखा हुआ है एक लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम रेलवे के लिए एक ट्रांजिट सिस्टम पे कंस्ट्रक्ट करने वाले थे प्रपोज था लेकिन उनका ऐसा मानना है कि श्रीलंका का जो ऑलरेडी इतना डेप्ट बढ़ रहा है हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो और डेप्ट बढ़ेगा विल श्रीलंकन गवर्नमेंट एबल टू रिपे रीपेट इसके लिए जापान ने फिलहाल तो फंडिंग होल्ड पे रखी है रोक दी है श्रीलंका टोटल फॉरन डेप्ट इज अप्रोप्रिएटली अराउंड फिफ्टी फाइव बिलियन डॉलर विच अकाउंट फॉर नियरली एटी परसेंट ऑफ इट जीडीपी मतलब अस्सी परसेंट अगर आप उनके जीडीपी की बात करेंगे एट्टी परसेंट इज पैसा आता है सो so, ये बहुत ही नाजुक हालत है श्रीलंका के लिए कि इतना, सारा आ रहा है। लेकिन डेप्ट इतना बढ़ चुका है कि 80 तो आप सोच सकते हो कि खुद देश सिर्फ ट्वेंटी परसेंट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है एट्टी परसेंट जो है सब फॉरन का उधार लिया हुआ है उन लोगों ने जो कि श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है ऑफ दैट चाइना एंड द ए डी बी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक वो फोर्टीन परसेंट उनका डेप्ट है ट्वेल्व परसेंट वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का है जापान का ट्वेल्व परसेंट है वर्ल्ड बैंक का एलेवन परसेंट है और इंडिया का सिर्फ दो ही परसेंट डेप्ट है आउट ऑफ दैट फिफ्टी फाइव बिलियन डॉलर ये तो है उसमें जो एटी परसेंट जी डी पी है उनका उस एट्टी परसेंट में से चौदह परसेंट चाइना और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है बारह परसेंट जापान का है ग्यारह परसेंट वर्ल्ड बैंक का है और इंडिया का सिर्फ दो परसेंट है लेकिन आप जब टू परसेंट करते हो दैट आल्सो गोज इनटू डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है श्रीलंका को काफी डेप्ट रिपेमेंट करना पड़ेगा वेन आस अबाउट टॉक्स ऑन द मोमटोरियम चाइनीज एम्बेसीज ऑफिशियल्स इन कोलम्बो कंफर्म दैट द टू कंट्रीज आर वर्किंग टूगेदर ऑन द फाइनेंशियल कॉपरेशन वाई डिफरेंट चैनल्स एंड मैकेज तो किसी भी तरीके से वो एक फाइनेंशियली कॉपरेट कर रहे हैं चाइना और श्रीलंका तो मेरा ये मानना है कि इंडिया ने भी उनके साथ यू नो बायलैटरल टॉक्स बढ़ाने चाहिए श्रीलंका के साथ नॉट ओनली श्रीलंका ऑल दोज कंट्रीज वू आर सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडमिक और उनका जो इकोनॉमिक सेक्टर जो हैम्पर हुआ है तो हमारा भी हैम्पर हुआ है तो हमने इन देशों के साथ एग्रीमेंट्स डील्स ट्रीटीज साइन करके हमने अपना इकोनॉमिकली उनको और हम हमको दोनों को डेवलप करना चाहिए ग्रोथ करना चाहिए अदरवाइज ऐसी सिचुएशन है कि चाइना इस पर फिर से चांस ना चांस पे डांस ना कर ले चाइना क्योंकि चाइना की ये आदत हमेशा रही है कि पैसा दिखा के वो छोटे छोटे देशों को लर करते हैं वो वो डेप ट्रैप्ट में डाल देते हैं और उसके बाद वो देश अटक जाते हैं इंडिया का ऐसा नहीं होता है इंडिया ऑल दो पैसा देता है लेकिन वो देश की डेवलपमेंट दूसरे जो छोटा देश होता है उसके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है चाइना का वो कंसर्न कभी नहीं रहता चाइना चाइना मोस्टली एक्सप्लॉयट ही करता है बहुत सारा रीजनल डिस, डिस्ट्रेस है ये जो रीजन के बारे में जो मैं बात कर रहा इट द एशियन रीजन अदर कंट्रीज ओसाम को शहीद कर दे तो अभी उनको काफ़ी ट्विटर पे बहुत उनका बुलिंग हो रही है साइबर बुलिंग ही स्पोक टू श्रीलंकन प्रेसिडेंट राजा अबाउट द ज्वाइनिंग अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेप्ट रिलीफ अभी सभी देश कोरोना के वजह से सारे देशों से डेप्ट रिलीफ का डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल भूटान मालदीव छोटे छोटे देश है जिन्होंने काफ़ी डेप्ट लिया काफ़ी लोन लिया वो बोल रहे है कि हमारा लोन माफ़ कर दो तो अभी चाइना ने तो हाँ बोल दिया है लेकिन अगर इंडिया भी हाँ बोल देगा तो हमको तो नुकसान हो जाएगा हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी पीछे जा चुकी है हमें ऑलरेडी पैसे की जरूरत है तो अभी ये सारे देश एकजुट हो रहे हैं दे आर ट्राइंग टू से देट आर ज्वाइंग ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेप्ट रिलीफ क्योंकि ये सारे देश और ज़्यादा पीछे चले हैं

और फिर वो उसको रिफंड वो उसको पे नहीं कर पाते वो इंटरेस्ट भी लेता है चाइना काफ़ी अच्छा लेता है तो और चाइना सिर्फ एक्सप्लॉइड करता है इंडिया वैसा नहीं करता डेवलपमेंट के बारे में सोचता भी नहीं है चाइना इसकी वजह से अभी मालदीव्स का चाइना के साथ बहुत ही नाजुक मतलब दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी बैक टू चाइना विच कुड नेसीटेट अ शिफ्ट फ्रॉम द सोली गवर्नमेंट्स अर्लीअ टफ स्टैंड ऑन वॉट इज कॉल्ड द चाइनीज डेप ट्रैप ड्यू टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट तो भाई इतना सारा रिलीफ उनको मांगना है तो वो चाइना का तो पहला जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो सोच रहे थे इनको ना अब वो ज्वाइन करने के सोच रहे हैं ताकि है मालदीव पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ये जो बड़ा देश है चाइना उसे थोड़ा सा डेप्ट कम करने का या थोड़ा सा लोन कम करने के वो बात करेंगे अब देखते हैं क्या होता है रिपोर्ट सजेस्ट चाइना सा पूरा नहीं पार्शियल रिपेमेंट टू रिड्यूस this year from डॉ हंड्रेड डॉलर मिलियन टू सेवेंटी फाइव डॉलर मिलियन अ डेवलपमेंट न्यू दिल्ली विल वॉच क्लोजली इंडिया को ये बहुत ट्रैक रखना पड़ेगा कि चाइना कितना लीवे दे रहा है छोटे देशों को कितना डेप्ट रिलीफ दे रहा है क्योंकि अगर चाइना ने रिलीफ देना स्टार्ट कर दिया तो ये सारे जो देश है वो इंडिया से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी थोड़ा सा डेप्ट कम कर दे और अगर इंडिया नहीं करता है तो फिर ऑब्वियसली उनकी मीडिया में हमारी आलोचना होगी कि चाइना ने कर दिया इंडिया क्यों नहीं कर रहा है तो बायोलैट्रल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो दे हैव टू इंडिया का हमेशा कॉम्पिटिटर एशिया में चाइना रहा है और अभी वर्ल्ड लेवल पे भी इंडिया एज अ लीडर निखर के आ रहा है कोविड ये जो कोविड नाइनटीन पैंडमिक में कि हम बहुत अच्छी तरीके से सारे देशों को हेल्प कर रहे हैं लेकिन चाइना के साथ हमारी हमेशा बोलते हैं कि एक रेस रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों के साथ रिलेशन बना रहा है तो हमको भी उसके साथ वी हैव टू रन अलॉन्ग विद चाइना टू कीप इन पेस विद चाइना क्योंकि चाइना इतना बड़ा देश है इतना पावरफुल देश है उनके साथ कम्पीट करने के लिए वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव और श्रीलंका जैसे देश पाकिस्तान मालदीव इन देशों के साथ हमारे बायोलैट्रल रिलेशन पॉलिटिकल टेंशन कम करके बायोलैट्रल रिलेशन को ज्यादा बढ़ावा देके वी शुड गो फॉर मोर प्रोजेक्ट डिवर और डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटीज जिससे उस देश भी देश का भी इकोनॉमिक इकोनॉमी और हमारा इकोनॉमी दोनों का फायदा हो ना कि सिर्फ चाइना की तरह हम एक्सप्ल करते रहे सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो आप लाइक करिए आप शेयर करिए कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई एम प्रोफेसर आदित्य किदारी साइनिंग आउट जय हिंद